अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। उसी पुत्र, वो अच्छा हो तो यही मिल गया यार। वो तेरे से ना एक जरूरी गल करनी थी। क्या हुआ मामा जी? वो कुड़ी के बारे में गल करनी यार। तो उस कुड़ी के झूठे जुनून को ना अपनी जिंदगी का सच मत बना। आप कहना क्या चाहते हैं? और जिंदगी ना दोबारा दोबारा मौका नहीं देती है। अगर देती है तो सिर्फ अपनी गलती को सुधारने का मौका देती है। सच के सामने वाला सच ये है कि तू उस कुड़ी को अभी के अभी घर से बाहर निकाल दे। उसकी औकात ही क्या है हमारे साथ इस घर में रहने की? वो मानना कि तू व्याह के लाया है उसको, पर तेरा दुख दर्द, तेरा गुस्सा, तेरा बदला सब समझता हूँ मैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस धोखेबाज कुड़ी के लिए तू अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेगा। मामा जी मुझे साफ साफ बताइए, ईशानी से शादी करके मेरी जिंदगी कैसे बर्बाद हो रही है? उस कुड़ी के साथ शादी करके ना तेरी बस बदनामी ही बदनामी होनी है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मुझे किसी और लड़की से शादी करनी होती और जबरदस्ती मेरी शादी ईशानी से करवाते तो मुझे फर्क पड़ता, लेकिन मुझे तो शादी करनी ही नहीं थी। और ईशानी और मेरे बीच कुछ नहीं हो सकता, तो ईशानी मेरी जिंदगी बर्बाद कर ही नहीं सकती। तो दिलशेर पुत्र है अपना, तू बदला लेना चाहता है ना उस कुड़ी से, तो मैं तो कहता हूँ दिल खोल के बदला ले, इस्तेमाल कर ले उस कुड़ी को। तू एक काम कर, तू उसके साथ हनीमून मना और सीधा डिवोर्स लेके ना उसको अपनी जिंदगी से और इस घर से बाहर निकाल दे। वो तेरा बदला भी पूरा हो जाएगा और कुड़ी भी इस घर से बाहर। मामा जी आप एक लड़की के बारे में ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? हाँ ईशानी ने हमारी फैमिली के साथ गलत किया है और मैं उससे बदला लूंगा, हर रोज बदला लूंगा, लेकिन अपने बदले के लिए मैं इतना नहीं गिर सकता कि एक लड़की की इज्जत के साथ खेलूं। तो बेइज्जती हो गई मामा जी, और कितने बार ऐसी अपनी बेइज्जती करवाओगे? देखिए अपने दिल शेर भांजे की नियत, मेरा शेर मेरी इज्जत का कितना ख्याल रखता है। ज्यादा अफलातूनी उड़ाने भर रही है ना तू, जो धक्के मार के तेरे को धूप पर हाउस से बाहर ना निकलवा दिया ना, तो मेरा नाम भी धूपी नहीं। मैं मानती हूँ मामा जी दौर चालबाजों का है, लेकिन मैं कोई और हूं। अब आप देखना, अगर मैंने आपके काले छिट्टे खोल के आपको इस घर से बाहर नहीं निकाला ना, तो मेरा नाम ईशानी शिव धूप पर नहीं। ओ शिव पुत्र, ओ यार तेरे से ना थोड़े पेपर साइन करवाने थे, आजा। इतनी रात गए आपको पेपर साइन करवाने, सुबह करवा लेते। ओ यार सवेरे तो थोड़ा गुस्सा हो गया था ना, और इस करके नहीं करा पाया। मामा जी मुझे उस बारे में बात नहीं करनी है, अब बताइए क्या काम है? ओ तेनु वो NRA वेडिंग याद है? ओ उसी पार्टी के ना एक इवेंट है अपने होटल में, उसी के पेपर है सारे। ले झूठा ही इंसान वो पेन मामा, उस ड्रग डीलर को बिजनेसमैन बता के शिव को फिर से बेवकूफ बना रहे। अगर शिव ने ये पेपर साइन कर दिए। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।